आज मैं सर्वप्रथम मैं भी धन्यवाद देता हूँ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बजरंगबली रथ प्रसाद भाई वीरेंद्र जी को और नीरज जी को और जिन्होंने पूर्वांचल के सम्मान में जब हम पूर्वांचल की चर्चा करते हैं तो बिहार के बगैर पूर्वांचल पूर्ण नहीं होता। आज बिहार के नव निर्वाचित दो उप मुख्यमंत्री हमारे पास राम लक्ष्मण की जोड़ी आए हैं। तुम अकेले क्यों भाई? और तुम क्यों नहीं पीछे? हमारे मनोज भैया ने जो सारे लोग ठीक है गागर में सागर भर के गए बिहार की साड़ी बटोहिया के साथ कह गए और जितने लोगों का नाम लिया पवन जी से लेके सबका मैंने भी उसको ले लिया नाम सम्मानित मंच। मित्रों हम बिहार से हैं। आज का दिन ये दुल्हा यही है आज के कार्यक्रम के। हमारे बिहार में जब शादी होती थी किसी का तो दुल्हा के साथ एक सहवाला चलते थे लोकनिया। तो आज हम सहवाला में आए हैं पीछे पीछे चल रहे हैं। तो आज इन दोनों ने राम लक्ष्मण मिलकर के मनोज भैया ने ठीक ही कहा जनादेश बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चाहे 2019 का हो चाहे 2020 का बिहार की जनता ने दिया था। लेकिन कुछ लोगों ने उस लोकतंत्र के निर्णय को हरने का काम किया था लालू रूपी मैं रावण तो नहीं कहूंगा लेकिन लालू रूपी। लेकिन ये राम लक्ष्मण की जोड़ी ने केंद्रीय नेतृत्व के क्योंकि पूरा देश जब नरेंद्र मोदी कह रहा था जय श्री राम कह रहा था जय श्री राम तो भूले भटके को भी अगर दिन भर का भूला भटका शाम में आ जाए तो उसे अपना लेने की जरूरत हुआ वो बिहार के लिए। हमने कोई सत्ता के लिए नहीं गलत फहमी में ना रहे मीडिया के मित्रों से कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ने कोई सत्ता के लिए नहीं समझौता किया है। अगर हमने नीतीश कुमार को एनडीए में लिया है तो बिहार के लिए लिया है 2000 के पहले 90 के पहले 90 के बाद और 2005 के बीच भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया कुर्बानी दी और हमने नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाते रहे केवल इसलिए कि बिहार का जंगल राज समाप्त करें। इस 1.5 साल में बिहार फिर से जंगल राज 2 की ओर जा रहा था। जो हालात बन गए थे नीतीश कुमार लालू जी के चक्रव्यूह में फंस गए थे। एक हमारे गांव की कहावत है चौबे गए छब्बे बनने दुब्बे बन के लौटे। लेकिन इन दोनों ने मिलकर के बिहार के खुशहाली के लिए जंगल राज से निकालने के लिए लालू जी का सपना था कि हम अपने पुत्र को मैं नहीं कहूंगा कि कौन दुर्योधन है कौन धृतराष्ट्र है मैं नहीं कहूंगा लेकिन उन्होंने गद्दी पर बिठाने की कोशिश की लेकिन दिल्ली की नेतृत्व कृष्ण रूपी ने सारे चक्रव्यूह से करके बिहार को बचा दिया। मैं आज धन्यवाद देता हूं दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी को और ये कहता हूं कि पूरे देश में
जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जब गठबंधन बना था बिहार में फोटो सेशन, नीतीश कुमार उसके कोऑर्डिनेटर थे, उस समय भी हमारा नेतृत्व कहा था ये गठबंधन नहीं है ठगबंधन है। और आज ये ठगबंधन टूट गया है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहां गिरे। बहुत बहुत धन्यवाद।